पर वेंजेंस वाले, ठीक है, ओके। नाहुम का मतलब है कंफर्ट। नाहुम नहमाया का छोटा नाम है। नहमाया मतलब यहोवा का कंफर्ट, यहोवा का सांत्वना, पर नाहुम मतलब सिर्फ सांत्वना। समझ में आया? नहुम मतलब सांत्वना, नहमाया मतलब यहोवा का सांत्वना। ठीक है, ठीक है। ये बंदा अभी हमारे दिमाग में ये आता है कि जोना के प्रचार करने के बाद निनेवा ने पश्चाताप किया, पर 87 इयर्स के बाद निनेवा का क्या हालत था या हश्र था? 87 इयर्स, 87 क्या बोलते, 87 साल के बाद निनेवा का क्या हश्र था, देखते हैं। नाहुम कहां से आया? नाहुम कहां से आया? नाहुम का गांव कौन सा था? क्या बात है, ताली, क्या बात है, फुल फायर में, फुल जोश में। अरे नाहुम कपरनाहुम से आया था। कपरनाहुम मतलब नाहुम का गांव, इसलिए वो देश का, वो सिटी का नाम है कपरनाहुम, मतलब नाहुम इस गांव से आया। नाहुम इस गांव से आया। सबको पता है ना नाहुम, कपरनाहुम क्या था? कपरनाहुम क्या था? यीशु मसीह वहां से कार्य करते थे, उनका हेडक्वार्टर वहां पर था, ठीक है, आमेन। और गलील के बारे में आपको एक चीज जानना जरूरी है, यूरोप से लेके इस तरफ से क्या था, सऊदी अरेबिया, अरेबिया वगैरह, यूरोप से लेके अरेबिया, ठीक है, और इंडिया वगैरह, इंडिया चाइना से लेके अफ्रीका, दो रास्ते जाते थे, इंडिया से लेके, इंडिया चाइना से लेके अफ्रीका, ओके, एक रास्ता ऐसा जाता था, या तो किधर गया था, ठीक है, यूरोप। ये बहुत बड़े बड़े क्या बोलते हैं, बहुत बड़े बड़े देश थे, यूरोप से लेके अरेबिया एक रास्ता ऐसा जाता था, और इंडिया और चाइना, इंडिया चाइना वगैरह से दूसरा रास्ता जो जाता था, बड़े बड़े देश थे ये, अफ्रीका या इजिप्ट के तरफ जाता था, ठीक है, इजिप्ट, इजिप्ट। ये दो दे रास्ते जो है, बड़े हाईवे है, इस मुकाम पर पहुंच जाते थे, इस पॉइंट पे, ये गलील था, क्या था, गलील था। और ये जो मकाम पर पहुंचते हैं, इस प्लेस को हम कहते हैं मेगिदो, और इंग्लिश में कहते हैं आर्मगेडन, जहां पर आखिरी युद्ध लड़ाई होने वाला है, प्रकाशित वाक्य। तो ये इस क्रॉस रोड पे, इसलिए गलील को इंटरनेशनल गलील करके कहा जाता है, क्यों, सारे इंटरनेशनल प्रधानताएं जो है, जो राज्य है, वो उसमें से जाते थे, उसमें से जाते थे, ठीक है, सारे प्रधानताएं, सारे बड़े बड़े राज्य इसमें से जाते थे, ठीक है, ये इंटरनेशनल गलील था। इसलिए यीशु मसीह यहां पर बहुत मशहूर थे, इसलिए यीशु मसीह को बड़े बड़े भीड़ यहां पर मिले, इसलिए यीशु मसीह के चिन्ह चमत्कार बड़े होते थे। पर जैसे आप यहां से दूर नीचे आ जाते हो, यहां पर यरूशलेम है, एकदम कोने में पहाड़ के ऊपर, यहां पर कोई नहीं आता था इतना, बाकी सब पूरा दुनिया का ट्रैफिक यहां पर आता था। इसलिए यीशु मसीह के बड़े बड़े कार्य, 30,000 लोगों को खाना खिलाना वगैरह, भोजन, 2 मछली और 5 रोटी से यहां पर हुआ, बहुत फेमस था यीशु मसीह, यहां पर कभी मरते नहीं थे, यहां पर कोई उसे मार नहीं देता था, क्योंकि वो बहुत फेमस था यहां पर। तो कपरनहूम यही जगह था, नाजरेत इसके बाजू में था, इसलिए यीशु मसीह जब नाजरेत में थे तभी बहुत से लोगों से मिलना जुलना उनका था, क्योंकि बहुत से लोग, तरह तरह के लोग आ रहे थे वहां पे, इसलिए यीशु मसीह को पूरा सब नॉलेज रहता था कि ये लोगों का कल्चर, वो लोगों का कल्चर, ये लोग क्या है, वो लोग क्या है, वैसा। समझ में आया, समझ में आया? तो मालूम है ना कि कपरनहूम और नाहुम क्या है, क्या रिश्ता है, इंटरनेशनल। सब लोग है मेरे साथ? Yes. ठीक है, तो
जोना ने जो सवाल पूछा, जोना पूछ रहा था सवाल कि दुष्ट लोगों के ऊपर न्याय क्यों नहीं होता है। नाहुम बोलता है कि दुष्ट लोगों के ऊपर न्याय जरूर होगा एक दिन, क्योंकि परमेश्वर हमेशा के लिए विलंब से क्रोध करता है पर क्रोध करता है। क्या करता है? विलंब से क्रोध करता है पर क्रोध करता है। एमन, ठीक है। रीड एक्सोडस 34:6-7। Exodus 34:6-7। और यहोवा उसके सामने होकर यो प्रचार करता हुआ चला कि यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने से धीरजवंत और अति करुणा में और सत्य, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है, परंतु दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। वह पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों का बेटों वरन पोतों और परपोतों को भी देने वाला है। आमेन। नाउ रीड नाहुम 1:2-3। नाहुम 1:2-3। नाहुम 2:3। यहोवा जल उठने वाला और बदला लेने वाला ईश्वर है। एक मिनट, क्या? जल लेने वाला वाला, जलन रखने वाला। यहोवा जलन रखने, वो एनवी नहीं करता। ही डजंट एनवी, ही गेट्स जेलस। अभी जेलस और एनवी के बीच में क्या है? व्हाट डू यू से जेलस? जलन। जेलस मतलब जलन, पर एनवी मतलब दाउ शल नॉट एनवी योर नेबर्स। ईर्ष्या पता है ना? जलन और ईर्ष्या, जलन अलग है, ईर्ष्या अलग है। ईर्ष्या क्या? ईर्ष्या नहीं यार, एनवी। चेक नहीं, चेक लव डजंट एनवी, जस्ट सी द डिक्शनरी। क्या नहीं करता? डाह। ठीक है, डाह क्या होता है? अरे अच्छा ठीक है, डाह का मतलब क्या है? दूसरे की चीजों पर नजर डालना। ठीक है, परमेश्वर वो नहीं करता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा कैटल ऑन 1000 हिल्स, मेरा सब कुछ मेरा है, ये पूरा दुनिया मेरा है, ये पूरा संसार मेरा है, मैं किससे डाह करूं? किससे डाह करूं? क्योंकि मेरा ही है सब कुछ। आमेन। तो गॉड डजंट एनवी, परमेश्वर डाह नहीं करते, पर परमेश्वर जलन रखते। जलन कब आप रखते हो? जो आपका है और कोई और लेकर जा रहा है। अंडरस्टूड द डिफरेंस? परमेश्वर अपने चीजों के लिए जलन रखता है कि कोई और के पास जा रहा है, डाह नहीं करता है कि किसी और का चीज परमेश्वर के नजरे नहीं है, मेरे खुद के चीज मुझसे दूर जा रहा है। इसलिए परमेश्वर को जलन है, और जलन है इसलिए वो वेंजेंस बदला लेता है। बदला इज रिवेंज, पलटा। इसलिए वो पलटा रहता है। अभी पलटे में और बदले में फर्क है। वेंजेंस है, रिवेंज। रिवेंज क्या होता है? उसने मेरे साथ बुरा किया, मैं उसके साथ और बुरा करूंगा, बस मैं बदला लूंगा। ठीक है, पर पलटा क्या है? वेंजेंस सिर्फ परमेश्वर लेता है। इसलिए परमेश्वर के बच्चों का क्या कहा गया कि तुम खुद से बदला मत लो, पलटे के लिए जगह दो कि परमेश्वर पलटा लेगा अपने समय। आया ना? There is a difference between that. Only vengeance God can take. बदला नहीं लेता। तुमने मेरे साथ बुरा किया, मैं तुम्हारे साथ बुरा करूंगा, ऐसा नहीं है। परमेश्वर takes vengeance, why? Because वो जलन रखने वाला परमेश्वर है, इसलिए वो जाके वो करता है, vengeance लेता है। समझ में आता है? उनको सीधा कर देता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, we will learn sometimes on God and on his characteristics. ठीक है, पर नाहुम बहुत ब्यूटीफुली यहाँ पर कह रहा है। ठीक है, आगे पढ़ो। टू, यहोवा बदला लेने वाला और जलजलाहट करने वाला है, यहोवा अपने द्रोहियों से बदला लेता है और अपने शत्रुओं का पाप नहीं भूलता।
यहोवा विलंब से क्रोध करने वाला और बड़ा शक्तिमान है, वह दोषी को किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। यहोवा भवंडर और आंधी में होकर चलता है और बादल उसके पांव की धूली है। आमीन। आपको पता है, यदि आपको पता है कि आपका परमेश्वर और आपका यहोवा कौन है, आप वैसे नहीं बैठोगे जैसे आप बैठते हो प्रार्थना के लिए। आप भूल गए हो कि यहोवा कैसे है, भवंडर में जान चलने वाले, आंधियों को तूफानों को थमाने वाले, ये जो बड़े बड़े कार्य करने वाले, वो परमेश्वर दयालु है, वो आपके पिता है। हमने यहोवा को ऐसे ले लिया, यहोवा कौन है, यहोवा को ऐसे देखते हैं, ऐसे बहुत परमेश्वर का मायने हमारे दिल में ना बहुत छोटा हुआ, इसलिए कभी भी जाते वो भी आते, वो भी कुछ करते, कभी भी कुछ वैल्यू नहीं है। जो चीज़ हमें आसानी से मिलता है उसका कीमत नहीं रहता। नाहुम के लिए परमेश्वर क्या थे, भवंडर में चलने वाले, बादल उसके पैर की, बादल उसके पैर के, जो बादल हम देखते हैं बड़े बड़े बादल, अरे ये तो यहोवा ने झाड़ दिया है इसे। समझ में आ रहा है, जो इतने विशाल है, और वो यहोवा मेरा पिता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा, यीशु ने कहा मेरी मैग्दलीनी से कि जा मेरे भाई को बता, शिष्य को बता दे कि मैं वापस तेरे बाप और मेरे बाप, तेरे पिता हमें, तेरे परमेश्वर और मेरे परमेश्वर के पास। उसने एक नया रिश्ता कायम किया कि अभी वो परमेश्वर जो है मेरा बाप है, मेरा पिता है। ही एस्टैब्लिश्ड अ न्यू रिलेशनशिप, माई फादर एंड योर फादर, माई गॉड एंड योर गॉड। हम वो रिस्पेक्ट खो गए हमारे परमेश्वर का, इसलिए जब इन लोगों को देखते ना पावरफुल, हम एकदम थर थराते कांपते, ये आपका जो रिएक्शन है ना, सिर्फ आपके परमेश्वर के लिए निकलना चाहिए, लोगों के लिए। परमेश्वर सो ब्यूटीफुल, परमेश्वर सो वंडरफुल। वो प्राचीन कैसे परमेश्वर के सामने क्या करते हैं, वो चार प्राणी क्या करते हैं, होली 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 होली, पवित्र 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 पवित्र, दिन रात नहीं थकते वो लोग। क्यों? That's your God. वो परमेश्वर, परमेश्वर को हमने बना लिया, भले मूर्ति में नहीं पर हमारे जहन में हमने बना लिया, हमारे मनों में हमने बना लिया, परमेश्वर ये है। परमेश्वर को अपने मन से निकाल दो, वो जो इमेज आपने बनाया वो गलत है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है तुम लोगों ने सोचा कि मैं तुम सा हूं, तुम्हारे जैसा हूं। प्रार्थनाओं को देखो, यदि आप प्रार्थना करना शुरू करोगे ना, आपको पता चलेगा कि उनके नजर में यहोवा क्या है। उनके प्रार्थनाओं से पता चलता है। दानियल के प्रार्थना से देखो उनका यहोवा कौन था, नहमाया के प्रार्थना से देखो पूरे सृष्टि को बनाने वाला, यरमाया के प्रार्थना से देखो, शया के प्रार्थना से देखो, आजकल के प्रार्थना कैसे होते हैं, जाओ बिंदास। ऑब्वियसली यीशु ने कहा कि जाओ बिंदास, कहो मांगो, पर वो हमारे दर्जा कम हो गया। स्केसिटी, जो चीज की कमी है ना उसका हमें ज्यादा वैल्यू रहता है, आया ना? मम्मी हमारे साथ हमेशा रहती है तो मम्मी का वैल्यू नीचे हो जाता है, पापा कभी कभार देखते हैं तो थोड़ा थोड़ा हिल जाते हैं, थोड़ा मतलब एक ऑरा आता है, थोड़ा एक रिस्पेक्ट आता है, ठीक है पापा, पर जिसके साथ हम ज्यादा रहते हैं उसका वैल्यू हम कम करते हैं। बच्चे ज्यादातर माँ के साथ रहते तो माँ का वैल्यू कम, बाप को देखते अरे बापू बापू बापू, क्यों? जो चीज हमें नहीं मिलता है वो चीज का वैल्यू, पर परमेश्वर कभी भी है ना, कभी भी पुकारो परमेश्वर है, कभी भी मानो परमेश्वर है, कभी भी मानो मैं परमेश्वर है, वैल्यू कम करते हैं। इसलिए आजकल हम परमेश्वर से बातें कम करते हैं, एक दूसरे से बातें ज्यादा करते हैं। सोचने पे मजबूर कर रहा हूं कि नहीं, ट्रांसलेट, विनाश की घोषणा, पहला वाला तीन चैप्टर तीन विभाग, पहला वाला विनाश का घोषणा, दूसरा वाला विनाश के, विनाश का तरीका, डिटेल्स,
विनाश का विस्तार अच्छा आपके पेपर में भी है अगर आपके पेपर है ना उसमें भी है सेम है हिंदी वाले पेपर में सेम है अगर आपके पास हिंदी वाला है अच्छा जोड़ेंगे और लास्ट वाला विनाश पेपर है आपके पास आपका पेपर नाहुम वाला नहीं मिला है पेपर हिंदी हिंदी वाला ठीक है विनाश का विनाश का डिमांडेड मतलब विनाश का निश्चय होना आपके पेपर में है तो वो पेपर है ना आपके पेपर में है जो हिंदी फ्रांसीसी हाँ Amen? समझ में आया तो नाहुम वहां पर चला गया और बोला निनेवा को कि अभी तुम्हारा विनाश तो तय है तो उन्होंने बोला क्या करे पछताव करे ये करे वो करे नहीं नहीं तय है खत्म देखो जब आपको परमेश्वर पहले पहले मिलता है ना आप तुरंत पछताव करते हो तुरंत आपके साथ भलाई होता है पर वापस से जब आप पाप में गिर जाते हो ना उधर से उठना थोड़ा कठिन है जब आप परमेश्वर से दूर हो जाते हो ना परमेश्वर को छोड़ते हो परमेश्वर से दूर हो जाते हो ना ये उनका स्थिति था उस टाइम पे तो उन्होंने प्रार्थना किया तुरंत उनको जवाब मिल गया पर अभी थोड़ा देर हो गया नाहुम कह रहा बहुत देर हो गया अभी आप पश्चाताप भी नहीं कर सकते पश्चाताप का भी कुछ फर्क नहीं होने वाला है तुम्हारा निश्चय तय है अंत तय है रीड 1:15 नाहुम 1:15 Very famous verse. Nahum 1:15. देखो पहाड़ों पर सुसमाचार का सुनाने वाला और शांति का प्रचार करने वाला आ रहा है अब हे यहूदा अपने पर्व मान और अपनी मन्नतें पूरी कर क्योंकि वह ओछा फिर कभी तेरे बीच में होकर ना चलेगा और पूरी रीति से नाश हुआ है Romans 10:15 Romeo 10:15 Very famous verse. और प्रचारक बिना क्यों कर सुने और यदि भेजे ना जाए तो क्यों कर प्रचार करे जैसा लिखा है कि उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं आखिरी बार यहाँ पर कौन है जिसने अपने पैरों का फोटो लिया और व्हाट्सएप डीपी डाल दिया पैरों का फोटो लिया कभी पैर ऐसे रख कर फोटो लिया लिया लवली का थोड़ा नहीं दिखा नहीं पैरों का कभी फोटो लिया और व्हाट्सएप डीपी डाला क्यों नहीं पैर वो सुंदर चीज नहीं रहता है पैर वो सुंदर चीज नहीं रहता है पर यहाँ पर लिखा है हाउ ब्यूटीफुल आर द फीट ऑफ दोस दैट ब्रिंग गुड न्यूज नाहुम कह रहा है ये तबाही है नाहुम कह रहा है कि ये तबाही है निनेवे के लिए पर ये अच्छा खबर है जूड़ा के लिए क्यों असुर खत्म वो बड़ा राज्य जो दहशत फैलाया था पूरे दुनिया में खत्म ये खबर सुनाने वाला जो है यहूदा को उनके पैर कितने सुंदर है क्योंकि वो अच्छे खबर ला रहे हैं हमारे जिंदगी में जब दूसरे लोग आते हैं हमारे घर में वगैरह जो गेस्ट मेहमान जो हम नहीं चाहते कि आए तो उनके पैर कितने गंदे होते हैं अरे देखो ये आए आप आते कैसे पैर से तो जब खुशखबर आता है कैसे आता है पैर से आता है खुशखबर चलकर आएंगे हाउ ब्यूटीफुल आर द फीट मतलब वो बंदा जो खुशखबर नहीं देता है उसके पैर भी सुने रहे हैं जो सबसे गंदी चीज है पर उसके पैर भी सुने रहे समझ में आ रहा है नेक्स्ट टाइम आपके पैर देखो सुने रहे हैं कि नहीं है मैनिक्योर पेडिक्योर करने के बाद फिर देखो फिर फोटो निकाल के व्हाट्सएप डीपी डाल दो ठीक है नाहुम कहता है कि जब तुम लोग गिरोगे असुर सुनो निनेवा क्या था राजधानी था किसका असुर का
असुर सुनो, निनेवा सुनो, जब तुम लोग गिरोगे सारे लोग अब ताली बजाएंगे और तुम्हारे चोट को कोई चंगाई नहीं मिलेगा। इसलिए रेवलेशन में प्रकाशित वाक्य में असुर वापस नहीं आता है ना, असुर वापस नहीं आता क्योंकि वो उसके ऊपर तबाही लिखा है यहाँ पे कि असुर का तबाही तय है निश्चय। आमीन। रीड 319 नाहुम 3:19 नाहुम 3:19 पढ़ो नाहुम 3:19। तेरा घाव न भर सकेगा, तेरा रोग असाध्य है, जितने तेरा समाचार सुनेंगे वे तेरे ऊपर ताली बजाएंगे, क्योंकि ऐसा कौन है जिस पर तेरी लगातार दुष्टता का प्रभाव न पड़ा हो। सब लोग क्या करेंगे, ताली बजाएंगे जब तेरा विनाश होगा। पर ये बंदा इतना डिटेल में देख रहा था, नाहुम देख रहा था कि घोड़ों के रथों का चाबुक का आवाज मुझे सुनाई दे रहा है। चैप्टर 2 में वो बताता है कि सबसे पहले मैं आर्मी को देख रहा हूं, आदमी लोगों को देख रहा हूं जो लाल वस्त्र पहने हैं। 2:3 रीड, 2:3 2:3 पूरा डिटेल दिया बंदे ने कि कैसा तुम्हारा तबाही होगा। 2:3 उसके शूरवीरों की ढाले लाल रंग से रंगी गई और उसके योद्धा लाल रंग के वस्त्र पहने हुए हैं, तैयारी के दिन के रथों का लोहा आग की नाई चमकता है और भाले हिलाए जाते हैं। आमीन। कैसे वस्त्र, इतना डिटेल दिया इस बंदे ने। अगर आप दूसरा चैप्टर पढ़ोगे, इतना डिटेल दिया उस बंदे ने कि बोला कि जो आर्मी तुमको तबाही करने वाले हैं वो लाल वस्त्र पहनने वाले। लाल वस्त्र का आर्मी तब तक किसी का नहीं था, और उसके बाद एक आर्मी आया जिसे कहते हैं बेबीलोन। बेबीलोन के आर्मी लोग लाल वस्त्र पहन के आए थे, और नाहुम ने अंत तक कहा कि लाल वस्त्र पहने हुए आदमियों को मैं देख रहा हूं आते हुए। फिर उसने कहा घोड़े और रथ देख रहा हूं मैं आते हुए, और फिर वो दीवार पे चढ़ते हैं, दीवार को तबाह करते हैं। वो दीवार इतने बड़े थे निनेवा का, मैं दिखाता हूं आपको, देखो पानी था बीच में, टाइग्रिस रिवर था, टाइग्रिस, और उस पार में निनेवा था, और निनेवा के दीवार बड़े बड़े थे, और कहा कि दीवार इतने बड़े और ऊंचे हैं पर टाइग्रिस रिवर का पानी इतना बढ़ जाएगा कि तुम्हारे दीवारों को नीचे गिराएगा ताकि बेबीलोन के लोग आकर तुम्हें तबाही मचा सके। और वही हुआ कि टाइग्रिस का पानी इतना बढ़ गया कि ये दीवारें सब तहस नहस हो गए और लोग बेबीलोन के लोग आराम से अंदर चढ़ सके, आराम से गए अंदर, लोगों को तबाही किया और फिर लोगों को लूट कर वो लोग वहां से निकल गए। और ये सारे डिटेल नाहुम ने अपने दूसरे अध्याय में दिया कि असुर कैसा गिरेगा। वाव, आज के जमाने में ना डिटेल बहुत मायने रखते हैं। आजकल हम जैसे कहते परमेश्वर आपको आशीष करे, नहीं कैसा आशीष करेगा, ये करके कब, ये समय में कितना आशीष करेगा, इतना आशीष करेगा। वाव, क्या परमेश्वर कर सकता है, डिटेल्स दे सकता है हमको सुनने के बाद। नाहुम बहुत गटसी आदमी था। नाहुम गया राजा के पास और कहा ये सब। राजा बोला क्या पश्चाताप करो, बोले नहीं पश्चाताप कुछ फायदा नहीं है, गया तू, गए खत्म। खुश होकर प्रचार कर रहा था बंदा, ये गए तुम लोग गए तुम दुश्मन लोग, हाँ तुम सबको मार रहे, तुम गए, देखो मैं आया तुमको बताने के लिए। वो राष्ट्र, वो राज्य जो सारे दुनिया पर दहशत फैला कर रखा है, ये एक बंदा गया उनके बीच में और ये पूरा खबर सुनाकर आया बाहर। ठीक है, रीड वर्स 11 एंड 12 2:11 and 12 सिंहों की वह माद और जवान सिंह के आखेट का वह स्थान जहाँ कहाँ रहा, जिसमें सिंह और सिंहनी अपने बच्चे समेत बेखटके फिरते थे। ये सिंह 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 क्यों है, क्योंकि उनका एम्बलम सिंह था। तो कह रहे तुमको इतना घमंड है, शेर सिंह के ऊपर इतना घमंड है, तुम्हारा सिंह भी तबाह हो गया सब कुछ, योर लाइन इज फिनिश्ड। इतना डिटेल पे इस बंदे ने कहा। एंड रीड वर्स 3:1 चैप्टर 3:1 3:1 हाय उस हत्यारी नगरी पर, वो तो छल हाय और... क्या हुआ, हाय यीशु मसीह ने 3 शहरों के बारे में कहा था, हाय कोराइजिन, कैपरनाउम और बेथसैदा और कैपरनाउम। आज पता है आपको वापस जाओगे ना, कोई वापस रहता नहीं है, टाइबेरियस में लोगों को रहना पड़ता है, फिर कैपरनाउम, कोराइजिन और बेथसैदा में आना पड़ता है।
पर कहां पर रहना पड़ता है उनको? कहां पर रहना पड़ता है? टाइबीरियस में। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने हाय इस तरह से डाल दिया उनके ऊपर कि आज तक वो फिर से बने रहे, आज तक फिर से वो बने नहीं। तो निनेवा के ऊपर भी हाई डाल दिया। 10 साल के बाद अरबी लोग, बैबिलोन के लोग वगैरह आए, पूरे तबाही कर दिया वहां पर। और उसके बाद उन्होंने कोशिश किया वापस से, अरबी लोगों ने कोशिश किया वापस से उसको बनाने के लिए। ये उन्होंने बांधा निनेवा को, बांधने की कोशिश किया, ये उन्होंने बांधा निनेवा को। और टाइग्रिस रिवर के बाजू में ही कहा जाता है कि नाहूम का कब्रिस्तान है जहाँ पर उसको गाड़ा गया, जो अरबी लोग आज तक बहुत अहम मानते हैं क्योंकि वो भविष्यवक्ता था। वो वापस से अपना देश नहीं गया, वो वहाँ पर ही रहा कर प्रचार किया और देखा जो योना देखना चाहता था, जो जोना देखना चाहता था ना, रुक रहा था ऐसा देखा, अभी तबाही होगा, अभी तबाही होगा, वो नाहूम को दिखा कि अभी इनका तबाही हो गया। आमीन। और उनका कब्र टाइग्रिस रिवर के उसी पार है। पता है ना टाइग्रिस रिवर कहाँ पर है? इराक में, अदन के वाटिका, यूफ्रेटिस और टाइग्रिस, इराक में। निनेवा कहाँ पर है? इराक, आज के इराक। समझ में आया? बगदाद, सदाम हुसैन। तो उन्होंने कोशिश किया, पर आइसिस वालों ने, आइसिस सबको पता है, आइसिस वालों ने ये कर दिया इसको, आइसिस वालों ने पूरा मिटा दिया, सिर्फ धूल मिट्टी बचा है उसका, भी कुछ नहीं बचा। जब परमेश्वर ने श्राप डाल दिया निनेवा के ऊपर, तुम गए मतलब गए, तुम्हारा नाम निशान मिल गया, कोई उसे फिर से बांध नहीं सकता है वापस। ये निनेवा है, वो बड़ा शहर, वो महान शहर जो इतना विशाल था, पूरे दुनिया के ऊपर दहशत फैला कर रखा है। ये बताता है कि हमारा परमेश्वर ही इतिहास के ऊपर प्रभुता करते हैं, और राज्य से परमेश्वर का चलता है और किसी का नहीं। जो परमेश्वर खड़ा करते वो खड़ा हो जाता है, जो परमेश्वर बैठाते वो बैठ जाते हैं, और जो परमेश्वर मिटाते वो हमेशा के लिए मिट जाते हैं। आमीन, आमीन। परमेश्वर का न्याय गुड न्यूज है परमेश्वर के लोगों के लिए। इसलिए प्रकाशित वाक्य में वो वेदी के नीचे लोग क्या रो रो कर प्रार्थना कर रहे थे, हे परमेश्वर कब तक तू पलटा ना लेगा उन लोगों के ऊपर जिन लोगों ने हमारा इस हशर किया, कब तक, कब तक। और जब वो फाइनली लेते हैं ऊपर, क्या होता है? हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ने पलटा लिया बाबिलोन शहर के ऊपर। जश्न मनाते लोग, एक दिन आएगा जो परमेश्वर पलटा लेगा हर दुष्ट के ऊपर जो यीशु मसीह को नहीं अपना रहा। वो दिन बहुत देर हो चुका था निनेवा के लिए, बहुत देर हो चुका था। लोग जो यीशु को छोड़कर वापस से जाते, एक बार उन्होंने पश्चाताप किया जोना के समय में, पर अभी उनके लिए बहुत देर हो चुका है। यीशु को छोड़कर आप वापस मत जाओ, क्योंकि देयर रिमेंस नो मोर सैक्रिफाइस फॉर यू, और कोई आपके लिए बलिदान बचा नहीं है। यदि आप यीशु को जानकर, भला ये होता था कि आप यीशु को ना जानते थे, कि इससे कि आप यीशु को जानकर उसको छोड़ दिए। क्यों? क्योंकि आपका हश्र ये है। वेरी सैड स्टेट। आपके लिए पहला सवाल जोना के तरफ से पढ़ो। जो परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन के लिए, उसके लिए आप क्या कर रहे हो? जो परमेश्वर का इच्छा है आपके जीवन के लिए, आप उससे क्या कर रहे हो? आप चार ही चीज कर रहे हो उसके बारे में। नंबर वन, उससे या तो भाग रहे हो, या तो उसके अधीन हो, या तो उससे भाग रहे हो, या तो उसके अधीन हो, या उसको पूरा कर रहे हो, या तो उसको पूरा कर रहे हो, या उस पर सवाल उठा रहे। परमेश्वर का इच्छा है आपके बारे में कुछ, आप जानते हैं, आप चार ही चीज कर रहे हो, या तो उसको, उससे भाग रहे हो। उससे भाग रहे हो मतलब आप इतना व्यस्त है किसी और चीज में कि उसके लिए टाइम ही नहीं है। दूसरे चीज, आप उसके अधीन हो, मतलब परमेश्वर अपना इच्छा आपके द्वारा पूरा कर ही रहे हैं, पर आप खुश नहीं हो। क्यों? क्योंकि आपको मजा नहीं आ रहा, आप खुद के इच्छे से उसमें नहीं हो। या तीसरा चीज, परमेश्वर का इच्छा आप पूरा कर रहे हो क्या? आप खुद के मर्जी से पूरा कर रहे हो क्या परमेश्वर की इच्छा? या चौथा, आप बार बार पूछ रहे हो परमेश्वर को, क्या है आपका इच्छा, क्या है आपका इच्छा, क्या है आपका इच्छा, पर कर नहीं रहे हो कुछ भी। थोड़ी देर के लिए आप अपने साथ सवाल करो, आप बोलो कि मैं कहाँ पर हूँ परमेश्वर के इच्छे के लेकर, मैं कहाँ पर हूँ, पहले, दूसरे,
तीसरे या चौथे में। सबसे सुकूनदायक वाला जो चीज़ है ना वो तीसरा वाला है। अगर तीसरा वाला नहीं कर रहे हो ना तो उसका मतलब ये है कि आप अपना गाड़ी पानी पे चला रहे हो, इसलिए धक्का मारने की ज़रूरत है। पेट्रोल डाल दो, अपने आप चल जाएगा आपका गाड़ी। आपका जीवन आप पानी से चला रहे हो, बाकी चीज़ों से चला रहे हो, परमेश्वर की इच्छा नहीं कर रहे हो, इसलिए धक्का मारना पड़ रहा है आपकी गाड़ी को। पेट्रोल डालो ना, परमेश्वर की इच्छा करो, खुद का खुद आपका गाड़ी चलेगा। जोना आपसे सवाल ये